समाजवादी पार्टी महागठबंधन की कैंडिडेट पूनम सिन्हा, साथ ही प्रमोद कृष्णम भी है कांग्रेस की तरफ से। हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी लखनऊ से जुड़ गए हैं। पंकज, आप मुझे सुन पा रहे, तो किस तरह का उत्साह लखनऊ में दिख रहा है? इस बार मुकाबला काफी रोचक हो चला है। अचानक ऑल ऑफ अ सडन महागठबंधन ले आया पूनम सिन्हा को, और राजनाथ सिंह की तो ये लगातार पारंपरिक सीट रही ही है और बीजेपी का गढ़ रही है ये सीट। देखिए शीतल जी, लखनऊ में मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है। लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लखनऊ के लोग ले रहे हैं। हालांकि लखनऊ में नवाबियत के लिए जानी जाती है, लेकिन लोग मतदान के लिए लगातार सुबह से लंबी लाइनें लगी हुई हैं, मतदान कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले देश के गृह मंत्री, लखनऊ संसदीय सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने वोट डाला। मायावती जो BSP चीफ हैं, उन्होंने वोट डाला। बीजेपी के डिप्टी CM दिनेश शर्मा भी अभी थोड़ी देर पहले वोट डालेंगे। लेकिन लखनऊ का जो मुकाबले की बात है, तो मुकाबला रोचक जरूर बना है, लेकिन जो पिछले बार का हम रिकॉर्ड देखें 2014 में, जो टोटल वोट पड़े थे उसका 54% वोट राजनाथ सिंह पाए थे, जबकि दूसरे नंबर पे जो इस समय बीजेपी सरकार में मंत्री हैं रीता बहुगुणा जोशी, जो इलाहाबाद से भाजपा प्रत्याशी हैं, वो उस समय कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उनको जो टोटल मत मिले थे जो प्रतिशत में, वो 27% वोट पाए थे। तो काफ़ी अंतर था, और सपा को उस समय 5% वोट मिले थे। और इस बार कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णन है, और आचार्य प्रमोद कृष्णन का प्रचार करने के लिए कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं है। जरूर प्रमोद कृष्णन लगातार नामांकन करने के बाद लखनऊ में जमे हुए हैं, लगातार वो अपने डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, कई सारे धर्मों से मुलाकात की, लेकिन कांग्रेस की कोई भी बड़ा नेता प्रचार करने के लिए नहीं आया है। प्रियंका गांधी ने जरूर एक वीडियो जारी करके कांग्रेस के पक्ष में अपील करने की बात की। रही बात पूनम सिन्हा की, तो पूनम सिन्हा चूंकि बिहार से आकर के चुनावी मैदान में कूदी हैं, उनके पति फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा जो बीजेपी से सांसद थे, वो भी चुनाव पटना से लड़ रहे हैं, और शत्रुघ्न सिन्हा आकर के पूनम सिन्हा का प्रचार किया, जिससे कई सारे कांग्रेसी नाराज भी बताए जा रहे हैं। और शायद यही कारण हो सकता है कि प्रियंका गांधी शायद यहाँ चुनाव प्रचार करने ना आए हों, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि पहले पत्नी उसके बाद पार्टी, तो पत्नी के लिए लगातार वो प्रचार कर रहे हैं। उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा आई थी लखनऊ में, एक तस्वीरें जो थीं वो सोनाक्षी सिन्हा, डिम्पल यादव, इन लोगों ने प्रचार किया, अखिलेश यादव ने भी कई बार प्रचार किया, लेकिन स्थिति जो लखनऊ की है वो राजनाथ सिंह को चुनौती दे पाना आसार होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरागत सीट थी और राजनाथ सिंह बीजेपी में एक बड़े नेता हैं। राजनाथ सिंह अभी 2 दिन पहले कई सारे मौलानाओं से मिले थे, मुस्लिम धर्मगुरुओं से, उन्होंने बाकायदा राजनाथ सिंह के पक्ष में वोट देने की अपील की है, लेकिन अब देखना होगा मुस्लिम वोट लखनऊ जो है, वो सपा के पक्ष, गठबंधन के पक्ष में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। लेकिन 2014 और आज की स्थिति देखें तो स्थिति जरूर बदलती नजर आ रही है, लेकिन राजनाथ सिंह को विपक्ष कितना घेर पाएगा ये कहना मुश्किल है, जिस तरीके से प्रत्याशी दिया है। 2014 में भी ऐसे समाजवादी पार्टी ने ऐन वक्त पे अपना प्रत्याशी बदल दिया था, अशोक वाजपेयी चुनावी मैदान में थे और अभिषेक मिश्रा को लाए थे, अभिषेक मिश्रा को 5% जो टोटल वोट मिले थे वो मिले थे, और फिर पूनम सिन्हा को बाहर से ला करके लखनऊ में चुनावी मैदान में उतारा है। तो एक बाहर का फैक्टर है, और राजनाथ सिंह मौजूदा सांसद हैं, इस नाते राजनाथ सिंह को विपक्ष कितना घेरता है ये तो जब चुनाव परिणाम आएंगे, जो वोटों की गिनती होगी, कितना वोट विपक्ष को जाता है ये तय होगा, लेकिन अभी तो साफ तौर से राजनाथ सिंह के मुकाबले में कोई दिख नहीं रहा। ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन लूंगी कपीश श्रीवास्तव से, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव। लखनऊ सीट पर राजनाथ सिंह को मेजर चैलेंज कोई नहीं दिख रहा, बेशक आप पूनम सिन्हा को ले आए, बेशक सोनाक्षी सिन्हा आकर वहां पर रोड शो कर रही हैं, बेशक शत्रुघ्न सिन्हा उनके समर्थन में उतरे हुए हैं, लेकिन लखनऊ में राजनाथ सिंह को हिला पाना उतना आसान नहीं दिख रहा। देखिए शीतल जी, उनकी रिपोर्टिंग अपनी जगह पर है, लेकिन हम लोगों का भी आधार है और हम लोगों की भी अपनी सूचना तंत्र होती है। निश्चित तौर पे लखनऊ के अंदर एक कड़ा मुकाबला है, और राजनाथ सिंह जी को 23 मई के अंदर आप हारते हुए इसी चैनल पे देखेंगे। अच्छा। और निश्चित तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ कि पूनम सिन्हा जी की तरफ बयार सी चल रही है लखनऊ के अंदर, और ये अंडर करंट है, क्योंकि गृह मंत्री जी लखनऊ से जरूर चुने गए थे, लेकिन उन्होंने के लिए लखनऊ के लिए कुछ विशेष किया नहीं है, और ना ही लखनऊ की जनता से वो रूबरू रहे, वो तो अपनी व्यस्तता में ही व्यस्त रहे। एक तरीके से कहा जाए तो राजनाथ सिंह जी भी कभी लखनऊ के लिए बाहरी थे, और
आज वो जरूर लखनऊ के लिए हो गए हैं क्योंकि वो चुन करके आए हैं पिछली बार, लेकिन पहले वो भी लखनऊ शहर के रहने वाले नहीं है, लखनऊ जिले के रहने वाले नहीं है। हाँ। तो इस तरीके से लोकतंत्र के अंदर जो भारतीय संविधान के अंदर सबको हक हासिल है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, शत्रुघ्न सिन्हा जी भी का अटैचमेंट और उनकी वाइफ का अटैचमेंट सदैव लखनऊ से रहा है, लखनऊ में उनकी तमाम रिश्तेदारियां भी हैं जिसमें वो आया जाया करते थे और उनको लोग तो ग्लोबल तरीके से पूरे देश और विदेश में जानते हैं, तो लखनऊ उनके लिए गैर कहां हो गया। ठीक है ठीक है, मैं इस पर बीजेपी का रिएक्शन लूंगी, आपके पास आऊंगी कपीश जी, मुझे एक ब्रेक लेना है, मेरी मजबूरी है, छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, लेकिन मैं जो कपीश श्रीवास्तव ने बड़ी बात कही है कि राजनाथ सिंह हारने वाले और 23 मई को सब देखेंगे लखनऊ में वो हार जाएंगे, एक अंडर करंट है महागठबंधन के पक्ष में, इस पर मैं रिएक्शन लूंगी स्वदेश सिंह का, बीजेपी के प्रवक्ता का, और साथ ही सत्यप्रकाश भी कुछ बोलने को उन्होंने भी हाथ उठाया था, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप देखते रहिए हमारी ये महाकवरेज 5वें चरण के मतदान पर।